सोलन जिला मुख्यालय पर जय भीम युवा संगठन मध्य प्रदेश के युवाओं ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि गोगावा तहसील के ग्राम उमरखली से लगी कुंदा नदी में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने और रेत माफियाओं पर कार्यवाही करने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी खरगोन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें युवाओं ने बताया कि कुंदा नदी क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी है। इससे हम किसान तरबूज और खरबूजे की फसल लेते हैं, मगर रेत माफियाओं के द्वारा पोकलेन और जेसीबी मशीन के जरिए धड़ल्ले से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। उमरखली से संवाददाता की रिपोर्ट। एक वर्ष से अवैध रेत उत्खनन का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद भी रेत खनन माफिया कार्य बंद नहीं कर रहे हैं और ग्रामीणों को धमका रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करके रेत माफियों पर कार्रवाई करे और अवैध उत्खनन बंद की जाए। ये कब से चल रहा है? ये पिछले एक वर्ष से चल रहा है। बीच में कार्रवाई भी तो हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब पुलिस का साठगांठ और अधिकारियों का साठगांठ होने के कारण कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पैसे ऐसा जेसीबी मशीन से उत्खनन, जेसीबी पोकलेन से उत्खनन हो रहा है। 5-5 जेसीबी चल रही है, 2 पोकलेन चल रही है और लगभग दिन भर में 50 ट्रैक्टर रेत रोज निकलती है और रात में भी चल रही है। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं उन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अवैध रेत खनन बंद की जाए।